सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल सीमा ब्लॉग्स में। होप सो आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी हो रहे हैं शाम के 3 और अभी इतनी अच्छी धूप आई कि मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो मौसम के हिसाब से मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और चारों तरफ धूप है। और तो दोस्तों, जैसे कि आप देखते हो मेरी हर ब्लॉगिंग बाहर के मौसम से होती है, तो आज भी कुछ ऐसे ही होगा। आज भी आपको पहले आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी। तो देखिए बाहर का मौसम कितना सुहाना हो रहा है, बिल्कुल जन्नत लग रहा है मुंशियारी। तो देखिए मेरे साथ आप भी। तो दोस्तों ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, नीला आसमान, सफ़ेद बादल, बिल्कुल मस्त लग रहा है मुंशियारी। और अभी हंसलिंग भी थोड़ा सा दिखने लग गया है, बट पंचाचूली के अभी दर्शन नहीं हैं और हंसलिंग दिखने लग गया है। और ये देखो आप, आसमान में हल्के हल्के बादल हटने लग गए हैं। और चूंकि और धूप को भी देखो, और देखो बिल्कुल अच्छा मौसम हो गया अभी इतने दिनों के बाद, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल जन्नत लग रहा है। तो दोस्तों जो शहर में रहते होंगे इन चीज़ों को बहुत मिस करते होंगे क्योंकि ये सीन सिर्फ पहाड़ में दिख सकता है। पाई तो सबके काम भी बढ़ गए क्योंकि सब ने अपने अपने कपड़े छत में ला के सुखाना स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने भी अपने छत के ऊपर कपड़े सब डाल दिए हैं। और आपको देखो हर किसी के घर में कपड़े दिख रहे होंगे सूखने को डाले क्योंकि धूप ही नहीं आ रही थी इतने दिनों से और लोगों के कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। तो आज बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है अभी। और इधर भी देखो खलिया साइड में, यहाँ भी बादल हट रहे हैं और मौसम बिल्कुल प्यारा सुहाना मौसम। और दोस्तों बाहर पे सुनसान हो रहा है क्योंकि अभी सबका आराम करने का टाइम है, तो कोई भी नहीं दिख रहा छत में और मैं अकेली हूँ। देखो आप, कोई भी नहीं है कि सब अपने घरों के अंदर पैक हो गए हैं क्योंकि आराम करने का टाइम है। लोगों का काम अभी ख़त्म हो गया, सब लोग आराम कर रहे हैं, तो मैं भी तो नीचे जाती हूँ और मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ। और ये रहा मेरा सुंदर सा घर। वैसे अपना घर सबको सुंदर ही लगता है कैसे भी हो। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी 4:30 हुए हैं और अब पीते हैं चाय। मैंने तो बनाई नहीं, मम्मी ने बनाई थी चाय, तो अब पीते हैं चाय और मम्मी को भी देते हैं। तो चलो मेरे साथ सीधे किचन में और पीते हैं चाय। और यहाँ पे देखो मम्मी हमारी धन बिन रही है। मम्मी हेलो बोल दो। हेलो, यहाँ देख के। तो हमारी चाय मम्मी ने पहले से बना के रखी थी, तो अब गर्म करते हैं चाय फिर पीते हैं। तो दोस्तों हमारी चाय गर्म हो चुकी है, अब डालते हैं गिलास में। और ठीक दीदी भी आई बाहर पे, तो एक मेरे लिए एक दीदी के लिए। और मम्मी तो पी ले चाह क्या चाह कचे, और एक मम्मी के लिए भी डालेंगे। ये लीजिए मम्मी जी चाय 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 चाय। अभी मैं ट्रेन में हूँ ना, ट्रेन में जो चाय बेचने वाले नहीं आते हैं। चाय पी लो गरम गरम चाय, ये लो चाय, चाय पी लो चाय। मिश्री तो नहीं है? अरे मिश्री वाली चाय है ये। ओहो, तो इसमें अब मिश्री भी लेंगे क्योंकि मम्मी ने चीनी नहीं डाली, तो मिश्री लेंगे। और ये रही मिश्री की थैली।
मुंसारी बॉयज का ही है ये जर्सी। लो मिश्री भी ले लो फिर, ये लीजिए। सो गाइस, जब हम पीते हैं चाय और यहाँ पे अपना ब्लॉग थोड़ा रोकती हूँ, चाय के मजे लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हम जा रहे हैं दीदी के घर जो हमारे गांव में ही है, नीचे पे जा रहे हैं थोड़ा सा। तो अभी हम मैं और यस्सू वहाँ जा रहे हैं बैठने को, और आपको भी दिखाएंगे उनका घर। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे करके मत जाओ ना, गिर जाओगे। चलो तो जहाँ पे वो भाभी दिख रही है वहीं पे जाना हमें। अरे यसु गिर जाएगा, उनके घर जा रहे हैं अभी हम बैठने के लिए। और देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है अभी। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर और हम जाते हैं ऊपर। और ये है भाभी जी। भाभी हाय बोल दो। हेलो। और इसको क्या हो रहा है? अरे अभी सो के उठी है। अरे क्या हो गया, अभी सो के उठी है? तभी तो इसका मूड खराब है। ये देखो माँ बेटी का प्यार, नजर ना लगे। हम भाभियों के साथ गप्पे मारते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। दोस्तों ये सामने जो आपको गांव दिख रहा है, ये गोरी पार का गांव है। हमारे वहाँ से नहीं दिखता क्योंकि हमारे वहाँ से लोगों के मकान ही लगते हैं तो दिख नहीं पाता है। और यहाँ से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है और सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। तो ये गोरी पार है। हाँ बेटा दिखा दो, कूद दांत दिखाओ बेटा। अरे हाँ करो, दांत दिखाना, दांत दिखा देते दांत। अरे ये देखो कुरानी, दांत दिखाना, दांत दांत दिखाओ ना, वो पूरा खोलते ना। क्यों गुस्सा है? हाँ बता ना, क्यों गुस्सा है? अरे यस्सू मैं भी जा रही हूँ नीचे, जाओ जाओ उनके घर, पिदल के घर। तो बोल क्यों नहीं रहा? गुस्सा है, सॉरी। आप सब कर दे, कर दे, नहीं तो मैं जा रही हूँ। ठीक है फिर बाय। चल सब्बा सब्बा चल पकड़ो। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, 6 बज गए और धूप भी चली गई है और मौसम सामने खराब भी हो चुका है और बादल, फिर से बादल आ गए हैं आसमान में। तो कपड़े उठाते हैं और ले जाते हैं नीचे। और अब इधर वाले तो उठा लिए हैं, उधर जाते हैं, उधर का उठाते हैं। देखो कितने सारे कपड़े धोने लगे हैं और किस सूखे भी नहीं थे दिनों से। आज अच्छी धूप आई तो आज सूख चुका है। तो दोस्तों सारे कपड़े हैं, पहले इसको लेके जाते हैं, फिर दोबारा से आना है, फिर दोबारा से उठा के ले जाएंगे कपड़े नीचे। तो पहले मैं इसको नीचे पहुँचा के आती हूँ, फिर दोबारा से छत में आऊँगी और कपड़े उठा के ले जाऊँगी। तो दोस्तों फाइनली सारे कपड़े उठा लिए हैं, थोड़ा पहले पहुंचा दिया था मैंने, अब थोड़ा इतना है तो इसको लेके, इसको भी लेके जाते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आपसे। तकलीफ। सो गाइस बाहर पे अंधेरा हो चुका है और अभी हो रहे सारे साथ। और यहाँ पे यस्सू की हरकतें देखो, ये देखो ये क्या बना है, ये बेल्ट देखो उसका। पहाड़ी जुगाड़ ऐसा होता है, पहाड़ी जुगाड़। ये देखो बेल्ट के जगह धागे से बांध के, ये होता है पहाड़ियों की पहचान। हर पहाड़ी बच्चा ऐसी बेल्ट जब टूट जाता है तो ऐसी इसी तरीके से बेल्ट बनाता है धागे से। नहीं नहीं यस्सू क्या बना है, ये क्या बन रहा है?
क्या पता है लिटिल सिंघम बना है तो बोलो क्या बोलता है लिटिल सिंघम, क्या बोलता है सुनाओ इसमें बताओ। ऐसे बोलता है और क्या बोलता है, कुछ और भी बोलता है वो और क्या बोलता है पुलिस अरे बाप रे, इसको तो बड़ा अच्छा आता है गाना लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम का क्या होता है फिर वो कार्टून होता है, कार्टून नहीं होता वो कार्टून होता है। हाँ अपने बर्थडे में कैसे डांस करने वाला है, कौन से गाने में डांस करने वाला है अपने बर्थडे में, गाना भी तो गा हुआ, कौन सा गाना है वो ये भी कोई डांस है, बकवास डांस, गंदा डांस और नाच छोरे वाले में तो ऐसे नाच सीखा अपने बर्थडे में। अच्छा बड़ा अच्छा डांस सीखा है, बहुत ही अच्छा डांस सिखाया है तूने। क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया क्या है अंदर गोई? क्या वो गिदौल? छी गिदौल नहीं बोलते, केचुआ बोलते बुद्धू, केचुआ। चलो गाना, नानी तेरी मोरनी को मारे गए बाकी जो बचा था काले चोले ये क्या हुआ टन 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 टन, ये क्या है हाट 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 हाट। देखो यस्सु के ऊपर देवता आया, यस्सु के ऊपर देवता आ रहा है, देखो भगवान जी मुझे टीका लगा दो, भगवान भगवान जी मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा ना। हाँ चलेगा, मजा आ गया भगवान जी। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं 9:30 और मैंने अपना खाना पीना सब खत्म करके मतलब खा के मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और अब सोने की तैयारी करते हैं, मैंने मस्त अपना बिस्तर वगैरह भी लगा लिया है। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग में इतना ही है, मिलते हैं आपको कल नई सुबह में नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सीमा आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, सो जाते हैं, गुड नाइट।